तो संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। सोनिया ने कहा स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून राजीव गांधी लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उसे पास करवाया। इसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों में 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है। यह बिल पास होने से सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बिल को पास करने ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हो गया किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसेस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसेस के देखकर डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसेस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? तो नागौर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नागौर पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री अमित सिहाग नागौर पहुंचे हैं। विधायकों और PCC सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। टिकट को लेकर फीडबैक कांग्रेस पर्यवेक्षक ले रहे हैं। तो जो कांग्रेस पर्यवेक्षक है वो नागौर पहुंच चुके हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मधुसूदन मिस्त्री और अमित सिहाग नागौर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए विधायकों और PCC सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। तो टिकट को लेकर के फीडबैक कांग्रेस पर्यवेक्षक यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। नागौर से ये बड़ी जानकारी, मधुसूदन मिस्त्री और अमित सिहाग यहाँ पर पहुंच चुके हैं नागौर और देखिए विधायकों और PCC सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर फीडबैक भी लिया जा रहा है, विधायकों से मुलाकात किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और इस बार कांग्रेस अपने पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। जो पर्यवेक्षक है लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार ये कहा जा रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केरल में एक बार फिर निपा वायरस संक्रमण के मामले आने के बाद से टेंशन बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं ICMR निपा की वैक्सीन बनाने पर विचार कर रहा है, इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। ये सरकार के उस प्लान का हिस्सा में है जिसमें आवश्यक वैक्सीन का एक समूह को विकसित किया जाना है। निपा वायरस संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए एहतियात के तौर पर 34,000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया जा चुका है।
निफा वायरस को लेकर सबकी टेंशन बढ़ गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि 16 तारीख के बाद से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। केरल में अब तक 6 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 लोगों की जो है मृत्यु भी हो चुकी है और 4 एक्टिव केसेस हैं। जो एक बच्चा जो वेंटिलेटर पे था, अब उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, उसकी हालत में सुधार आ रहा है। तो हालात सामान्य है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आईसीएमआर भी जो है वो वैक्सीन बनाने पर विचार कर रहा है। ये वैक्सीन बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए साझेदारी प्लेटफॉर्म जैसी चुनौतियां भी जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर ये वैक्सीन बन गई तो केरल में जिस तरीके से बार बार जो संक्रमण का डर है वो उसकी रोकथाम बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी चुनौतियां ज्यादा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो पूरी मेडिकल टीम्स जो हैं वो केरल में तैनात हैं, सब जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे वो आरएमएल डॉक्टर्स की बात की जाए, आईसीएमआर की बात की जाए, एनआईवी की बात की जाए, पूरी तरीके से अलर्ट पर है। 36,000 से ज्यादा जो घर हैं उन पर सर्विलेंस हो चुका है और अभी के लिए स्थिति जरूर संभली है। लेकिन दूसरी जो लहर की आशंका हो रही थी वो भी थम गई है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जिस तरीके से आईसीएमआर जो है वो विचार कर रहा है ऐसी वैक्सीन जो है वो बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि निफा वायरस के जो मामले हैं वो बिल्कुल कोरोना की तरह ही फैलते हैं, ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि वो जितना बचाव कर सकते हैं करें। केरल में अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है, लोगों से ये अपील की गई है ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, और जैसे जैसे वहां पर हालात सामान्य होंगे वो धीरे धीरे जो है प्रतिबंध वहां से हटने लगेगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। तो भारत का चांद पर जाना, G20 की अध्यक्षता करना पाकिस्तान को कितना खल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह बयान किया है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ ने भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं और कंगाल हो चुके अपने मुल्क को खरी खोटी भी सुनाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज हिंदुस्तान चांद पर चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती है, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। भारत का गुणगान कर रहे, हिंदुस्तान की उपलब्धियों का बखान कर रहे इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं ये। जनाब कभी हिंदुस्तान को आंखें दिखाते थे, आज भारत के आगे नजरें उठा नहीं पा रहे। क्या करें, हुक्मरानों ने मुल्क का हाल ही ऐसा कर दिया है। भारत चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है, ये बात दुनिया तो कहती ही थी, अब नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं। जरा सुनिए भारत की उपलब्धियों और पाकिस्तान के हालात पर नवाज शरीफ की राय। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती है, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था, ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। तो सुना आपने, भारत का चांद पर पहुंचना, G20 की अध्यक्षता करना पाकिस्तान को कितना खल रहा है। इन्हें कौन समझाए भारत ने ये मकाम किस्मत से नहीं मेहनत से हासिल किया है। आतंक की जो फैक्ट्री पाकिस्तान चलाता रहा है उसमें चंद्रयान नहीं आतंकी बनते हैं। अब जरा आगे सुनिए अपने मुल्क की बदहाली कंगाली कैसे नवाज शरीफ खुद बयां कर रहे हैं। वाजपेयी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है, और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज, उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है
वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। कंगाली की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की पोल खोल है ये। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद बता रहे हैं कि उनके मुल्क की हालत क्या है। पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरा तो चांद तो दूर, दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को अपनी चौखट तक पर नहीं आने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में सर्वे ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के सीनियर सर्वेयर की हत्या हो गई है और हत्यारे ने शव को सरकारी फ्लैट के आंगन में ही दफना दिया और फिर फर्श को सीमेंट से पक्का करवा दिया। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और आरोपी क्लर्क अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम का सुरक्षा कर्मियों को बड़ा सम्मान। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों के साथ पीएम डिनर करेंगे। 22 सितंबर को डिनर का आयोजन होगा। भारत मंडपम में ये जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम का सुरक्षा कर्मियों को ये बड़ा सम्मान है। 22 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा कर्मियों के साथ डिनर करेंगे। तो भारत मंडपम में ये सुरक्षा कर्मी तैनात थे और देखिए इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे। आने वाले दिनों में 22 सितंबर को डिनर का आयोजन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर है, जहां उनके झालावाड़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद धामी झालावाड़ में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी शामिल हुए। तो देखिए तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो कि परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और परिवर्तन यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी नेताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो यहां उनका स्वागत हुआ है और परिवर्तन यात्रा में शामिल होते हुए पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जोधपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। तो जोधपुर के दौरे पर है असम के सीएम और देखिए जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उनके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। परिवर्तन यात्रा में हेमंत बिस्वा शामिल होंगे। स्कीम या पैकेज वगैरह निकालने का बात करता है, ये तो देखने से मालूम हो जाता है। चुनाव का फान इकट्ठा करने का ये सब सिस्टम है। ये सब हम लोग बहुत दिन देख चुका हूँ। कांग्रेस में मैं बहुत सालों साल था तो इसीलिए कांग्रेस का ये छोटे मोटे सिस्टम तो मैं तुरंत समझ ही लेता हूँ। आने का साथ साथ मुझको कोई भाई साहब ने पैकेट दिखाया, मैं बोला ये तो टिपिकल कांग्रेस ही बातें होता है। चुनाव का पहले मोबाइल खरीदना, चुनाव का पहले लैपटॉप खरीदना, चुनाव का पहले मसाला का पैकेट बनाना, ये जो सिस्टम है ये कांग्रेस कल्चर ही है। और खास करके चुनाव लड़ना और चुनाव हारने का बाद 5 साल में कैसे रहूंगा, उन वो सब का प्रबंध करने का ही ये सब सिस्टम होता है। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव किया गया है। गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। अब 3 बजे कैबिनेट की ये बैठक होनी है और शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक के बाद ही देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में एक बार फिर से बदलाव होना है। पहले ये जो बैठक थी वो 2 बजे होनी थी लेकिन अब 3 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। उसके बाद से देखिए शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसके बाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से समय में बदलाव कर दिया गया है और देखिए ये जो बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ERCP समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और एक बार फिर से समय में बदलाव किया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर अब मुफ्त के दिन लदने वाले हैं। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने यह संकेत दिया है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए सभी यूजर्स को पैसा देना पड़ेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगर आप सोशल मीडिया ऐप एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि एक्स ने यूजर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि एक्स पर जल्द ही एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही सभी अकाउंट होल्डर्स से पैसा वसूला जाएगा। सिर्फ पेड यूजर्स ही नहीं बल्कि अब एक्स के हर यूजर को फीस का भुगतान करना होगा, जैसे कि ब्लू टिक वाले सब्सक्राइबर्स करते हैं। सोशल मीडिया ऐप एक्स यानी कि ट्विटर के निशुल्क इस्तेमाल पर जल्द ही पाबंदी की खबरों ने हलचल मचा दी है। जल्द ही एक्स यूजर्स को इसके इस्तेमाल के लिए मासिक भुगतान करना होगा। इस बात की घोषणा एक्स के मालिक एलन मस्क ने की है। मस्क के बयान से साफ है कि अगर निकट भविष्य में आपको एक्स का इस्तेमाल करना है तो फ्री में नहीं कर सकेंगे। हालांकि एलन मस्क ने ये खुलासा नहीं किया है कि वर्तमान में उसके पास कितने भुगतान वाले ग्राहक हैं। दरअसल हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की गई बातचीत में एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की समस्या से निपटने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एलन मस्क ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए शुल्क लगाना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं बॉट्स का मुकाबला कर सकता हूँ। आपको बता दें कि एक्स पर सभी से शुल्क वसूलने का विचार नया नहीं है। पिछले साल भी मस्क ने ऐसा ही कहा था कि कंपनी वर्तमान में अपने एक्स प्रीमियम उपभोक्ताओं से प्रति माह $8 का शुल्क लेती है। बातचीत के दौरान मस्क ने कहा कि एक्स के अब 550 मिलियन मासिक उपभोक्ता हैं, जो हर दिन 100 से 200 मिलियन पोस्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में तब के ट्विटर का कुल रेवेन्यू $5 बिलियन का था, जो 2020 की तुलना में 35% अधिक रहा था। अब अपने हाथों में कमान लेने के बाद एलन मस्क ने पेड रेवेन्यू की तरफ मॉडल लॉन्च किया है, जिसके तहत ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए रकम वसूलना शुरू हुआ। इसी मॉडल के तहत एक्स के इस्तेमाल के लिए भी शुल्क देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देश भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दी। मुंबई में अंबानी परिवार ने एंटीलिया में गणपति पूजा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार के साथ गणपति की विधि विधान से पूजा की। इस दौरान फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक की कई बड़ी हस्तियों ने एंटीलिया में गणपति की पूजा में हिस्सा लिया और बप्पा के दर्शन किए। तो देखिए ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के संग यहां पर पूजा की और जो बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी पूजन में शामिल होते हुए नजर आए। एंटीलिया में भव्य पूजन यहां पर रखा गया था और अंबानी परिवार ने यहां पर पूजन किया। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज चारों तरफ सुनाई दी और कई हस्तियों ने पूजा में हिस्सा लिया। तो देखिए तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मुकेश अंबानी के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होती हुई नजर आई और बहुत ही भव्य तरीके से यहां पर पूजन का आयोजन किया गया। कई हस्तियों ने पूजा में हिस्सा लिया। तो एंटीलिया में भव्य गणपति पूजन का आयोजन किया गया, जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। अंबानी परिवार ने गणपति बप्पा मोरिया की यहां पर गूंज भी सुनाई दी और देखिए कई हस्तियों ने पूजा में हिस्सा लिया है, जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ यहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आए। एंट्रिलिया में भव्य गणपति पूजन का आयोजन किया गया और बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज भी इस पूजन कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत ही भव्य तरीके से यहां पर पूजन का आयोजन किया गया, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी यहां पर पहुंचे और यहां पर जो राजनीतिक गलियारों से भी बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचे थे और पूजन जो किया गया उसमें शामिल होते हुए नजर आए, आरती करते हुए नजर आए, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। मुकेश अंबानी ने परिवार के संग पूजन की।
तो एंटीलिया में भव्य गणपति पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होते हुए नजर आए और एक दूसरे को देखिए गले लगाते हुए नजर आए और यहां पर पूजन किया गया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।